कैमरा लुक किया। जो हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, सो जो मेरा किरदार है, आई एम प्लेइंग वन कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट गर्ल, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल एंड शी इज़ वेरी मैन्यूपुलेटिव एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ रिवेंज स्टोरी, सो शी इज़ मैन्यूपुलेटिव इन हर हेड एंड शी ऑलवेज हैव सम पर्पस बिहाइंड वट एवर शी इज़ डूइंग। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मैं ज़्यादा नहीं बता सकती अपने किरदार के बारे में बिकॉज पूरा रिवील हो जाएगा, दैट यू हैव टू वॉच ऑन 9th of March। होल स्टार कास्ट इज़ वेरी गुड, हम सबकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। करण वाही, विवान बठेना, उर्वशी रुतेला, मैं सबके साथ पहली बार काम कर रही हूँ। एवरीवन वाज ग्रेट एंड वी ऑल गॉट लॉन्ग वेरी वेल एंड सबके साथ। करण के साथ मेरा ज़्यादा काम नहीं है बिकॉज ही इज़ ऑपोजिट टू उर्वशी एंड मेरा ज़्यादा विवान के साथ है, उर्वशी के साथ आई वर्कड एंड होल टीम इज़ ग्रेट, वी ऑल गॉट लॉन्ग वेरी वेल एंड एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव एंड इवन डायरेक्टर विशाल पांड्या ही वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। बींग माई डेब्यू, माई फर्स्ट मूवी, सब ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक आई वॉज रियली लकी दैट आई गॉट अ ग्रेट स्टार कास्ट एक्चुअली बिसाइड्स मी, जो बहुत ही सपोर्टिव थे एंड दे एक्चुअली हेल्प मी अलॉट। सो इट वॉज फन, पूरा मूवी शूट करना इट वॉज एक्चुअली फन, वी वर लाइक ए फैमिली, सो इट वॉज रियली फन। इस फिल्म से आपकी शुरुआत है, बॉलीवुड में एंट्री है, पंजाबी काफी फिल्में कर चुके हैं, कितनी खुशी है आपको, आपको लिए पहली बार एक अलग सा मौका है आगे? हाँ सी, येस, डेब्यू है मेरा बॉलीवुड में एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरा डेब्यू विद हे स्टोरी के साथ हो रहा है बिकॉज यू नो हे स्टोरी से ऑलरेडी हिट फ्रेंचाइजी एंड सारी हे स्टोरी बहुत ही अच्छी गई हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरा डेब्यू बॉलीवुड में हे स्टोरी के साथ हुआ। अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ इज़ अ वन ऑफ द बिग प्रोडक्शन हाउस अगेन इन बॉलीवुड एंड इट्स अ हिट फ्रेंचाइजी। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी नर्वस ऑल्सो बिकॉज यू नो जब आप कोई हिट फ्रेंचाइजी के साथ काम करते हो, स्पेशली जब आपकी पहली मूवी होती है, सो यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड बिकॉज आपको यू हैव टू गिव मोर देन 100% बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग अलॉट फ्रॉम यू एंड देन ऑफकोर्स आई वॉज नर्वस बिकॉज इट्स माई डेब्यू, सो पीपल गोना जज मी वट आई एम डूइंग एंड बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा, पीपल आर अप्रिशिएटिंग। ट्रेलर आउट हो चुका है एंड इवन द माई सॉन्ग इज ऑल्सो आउट, सो पीपल आर रियली लाइकिंग इट एंड दे आर रियली अप्रिशिएटिंग इट, विच आई फील वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी आई थिंक डू माई गॉट माई डेब्यू विद हिज स्टोरी फ्रेंचाइजी। मतलब बॉलीवुड में विनोद जी आपसे बात करें, बॉलीवुड में पंजाबियों ने बाजी मारी है, तो पंजाबी कनाडा से लंदन से यू टर्न लेके यहाँ पे आते हैं, तो आप कहाँ से यू टर्न लेकर आए हैं? एक्चुअली यू आर राइट, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड आई थिंक येस आई एम ऑल्सो प्राउड पंजाबी। जैसे आप कैनेडा यूके से सब टर्न लेके आते हैं, आई थिंक मेरा टर्न भी वहीं से हुआ है। आई वॉज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, आई वॉज इन टू मॉडलिंग, मैंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत न्यूयॉर्क से की थी, सो आई वॉज फुल फ्लश इन टू मॉडलिंग एंड देन आई यूज टू ट्रेवल अलॉट टू टोरंटो ऑल्सो टू कैनेडा फॉर माई मॉडलिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल। देन आई शिफ्टेड टू इंडिया, आई डिड माई एक्टिंग कोर्स फ्रॉम बैरी जॉन्स दिल्ली। तब मेरा पहला ऑफर था डैडी कुल मुंडेफूल विच वॉज इन 2013 एंड अगेन आई वुड से इवन डैडी कुल मुंडेफूल दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर दैट टाइम इन पंजाबी इंडस्ट्री एंड आई वॉज वेरी अगेन आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, आई थिंक आई ऑलवेज बीन ब्लेस्ड, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड अगेन कि मेरा डेब्यू डैडी कुल मुंडेफूल से हुआ था बिकॉज आई वॉज अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर दैट टाइम, सो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था ऑडियंस से। बट आई वॉज वेरी बिजी इन माई मॉडलिंग करियर दैट टाइम, सो आई हैड प्योर कमिटमेंट्स दैट टाइम, सो मेरा उसके बाद फॉर 2 years आई थिंक आई कुडंट गिव टाइम टू माई acting or my movies, so I shifted to Canada that time
बट उसके बाद से घूम फिर के मैं वापस यहीं पे आई हूँ. बट यह दिल है हिंदुस्तानी एंड ऑफ कोर्स आई एम प्राउड पंजाबी. आई एम स्टिल हैप्पी दैट आई डिड माय डेब्यू विद पंजाबी मूवीज एंड आई एम नेवर गोना लीव पंजाबी इंडस्ट्री. पंजाबी का नाम आता है चाहे रैप सिंगर हो या कोई भी है, पॉप सिंगर है, चाहे दिलेर हो या कोई हो, वहाँ से रिश्ता रहा है कनाडा यूके से. एक्चुअली सभी का यू आर राइट. जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, आई थिंक अभी तक पंजाबी इंडस्ट्री के जितने रैपर्स हैं, जितने सिंगर्स हैं, इवन एक्टर्स आई फील, वो सब एक्चुअली उनका कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर रहा है कैनेडा से. एंड एक्चुअली इफ़ यू गो टू कैनेडा यू फील लाइक पंजाब, बिकॉज आर होल पंजाब इज़ लाइक दे आर सेटल इन कैनेडा. एंड दैट्स वाई आई थिंक यू नो हमारी पंजाबी मूवीज़ भी अगर आप देखा जाए पंजाब से और इंडिया से ज़्यादा ओवरसीज में ज़्यादा चलती हैं, बिकॉज पीपल आर मोर कल्चरल देयर. दे हैवन्ट फॉरगॉटन देयर रूट्स स्टिल एंड वो अपनी पूरी फैमिली को पंजाबी, हिंदी मूवी देखे नहीं देखे, पंजाबी मूवी के लिए अपनी पूरी फैमिली को लेके वो जरूर जाएंगे. एंड दे स्टिल हैव आई थिंक दैट टच विद देयर रूट्स विच इज़ वेरी गुड. कनाडा को मिनी पंजाब का नाम दे दिया गया. यू आर राइट. जब मैं पहली बार कनाडा गई थी मुझे लगा ओके फाइन मैं कनाडा जा रही हूँ, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, ये आएगा वो आएगा. बट नो, व्हेन आई वेंट टू कनाडा आई फेल लाइक होम. इट्स एक्चुअली मिनी पंजाब, यू सेड इट राइट वे, उसको मिनी पंजाब का नाम दे दिया गया है. इट्स इवन द साइन बोर्ड्स अगर आप देखें कनाडा में, साइन बोर्ड्स भी पंजाबी में है वहाँ पे. आई वाज सो सरप्राइज टू सी यू नो साइन बोर्ड्स भी पंजाबी में है. इवन योर फूड फ्रॉम योर पानी पूरी टू एवरीथिंग यू गेट देयर, यू नो लाइक आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ लाइक यू आर नॉट मिसिंग होम, यू आर लाइक ओके आप पंजाब के अंदर ही बैठे हो. पीपल स्पीक बेटर पंजाबी देन अस आई वुड से, यू नो दे आर वेरी कल्चर, सब गुरुद्वारा जाते हैं, दे आर वेरी यू नो अभी तक उन्होंने जो पंजाबी ट्रेडिशन अपना वो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ, विच इज ग्रेट, विच इज वेरी गुड. पंजाबी मोस्टली ये राय की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, खेत के अंदर से एल्बम की शुरुआत होती है, फिर एक टाइम में चाहे बब्बू मान हो या कोई भी पंजाब में सेटल हो जाते हैं, जाके कनाडा में सेटल हो जाते हैं. शुरुआत जो एक छोटी सी एल्बम से होती है गांव से या ट्रैक्टर से. आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था जो आपको एक पहचान मिली, पंडितों को अपनी पहचान मिली? यस, पहचान की बात की जाए दैट वॉज माई फर्स्ट पंजाबी प्रोजेक्ट विच वॉज डैडी कूल मुंडे फूल. एंड सडनली पीपल रियली लाइक मी इन दैट मूवी एंड एक्चुअली पीपल न्यू कि हाँ देर इज सम गर्ल कॉल इहाना ढिलन हु एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज हैव सम स्पेशल अटैचमेंट विद दैट प्रोजेक्ट डैडी कूल मुंडे फूल. एंड अगेन आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी टू डू माई डेब्यू विद दैट. एंड टिल नाउ अगर आप अभी भी पंजाबी ऑडियंस से और मेरे फैन से पूछेंगे अभी तक दे रिमेंबर डैडी कूल मुंडे फूल. अभी तक मुझे लोग मैसेजेस करते हैं इवन जब मैंने डेब्यू किया बॉलीवुड के अंदर. सो आई वॉज रीडिंग ऑल द कमेंट्स नीचे, सो पीपल वर सेइंग या दिस इज डैडी कूल मुंडे फूल वाली गर्ल, सो दिस स्टिल रिमेंबर मी विद डैडी. उसके बाद मैंने इतनी मूवीज की हैं पंजाब में भी, इतनी मूवीज कर ली हैं, बट पीपल स्टिल रिमेंबर मी विद डैडी कूल मुंडे फूल विच इज आई थिंक विच इज वेरी गुड. आई एम रियली हैप्पी एंड ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है. ऑलरेडी 50 million, 60 million क्रॉस कर चुका है ट्रेलर एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड ऑडियंस आर एक्सेप्ट. एंड आई वॉज वुड वाई आई वॉज नर्वस दैट आई वॉज नर्वस आई डोंट नो लाइक हाउ पीपल गोना दे गोना एक्सेप्ट मी इन बॉलीवुड और दे आर नॉट गोना एक्सेप्ट मी इन बॉलीवुड, बिकॉज सबका जब डेब्यू होता है दे ऑलवेज गेट कन्फ्यूज. बट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली लकी दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग मी एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. एंड येस आई एम स्टिल नर्वस and I'm excited either because people gonna judge me from this movie, but I have given my more than 100% and I think people gonna like it. Punjabi पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्यों अधिक फिल्म चाहे रिचा चड्डा हो या फिर क्या कहना चाहेंगे इनको? अधिक फिल्म एक के बाद एक फिल्म है क्या? आई थिंक ये हमारे ब्लड में होता है कि हम एक बार अगर कोई चीज़ पकड़ते हैं ना हम उसको छोड़ते नहीं है. एंड एक्चुअली हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, वी ऑलवेज थिंक फर्दर कि आगे क्या है. अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, एज आई टोल्ड यू कि मेरी शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से हुई थी एंड आई हैव स्पेशल अटैचमेंट विद पंजाबी इंडस्ट्री जो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं. आई एम ऑलवेज गोना डू पंजाबी मूवीज, आई नेवर गोना लीव दैट. सो आई एम ऑलरेडी शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट पंजाबी मूवीज विच इज़ गुलाम. आई एम ऑलरेडी शूटिंग फॉर दैट विच वी गोना रिलीज इन जुलाई.
एंड बिसाइड्स दैट एक्सेप्ट हेट स्टोरी 4 आई हैव नास्ती कमिंग वेयर आई एम डूइंग वन कैमियो रोल विद अर्जुन रामपाल जी, वो भी बाय एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज हो जाएगी. एंड एक्सेप्ट दैट आई हैव साइन अनदर बॉलीवुड मूवी जो हम अप्रैल एंड में शुरू कर रहे हैं, उसका अभी मैंने रिवील नहीं किया. आई थिंक आई एम गोना रिवील इट सून. सो लकीली इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल. सो यस, पंजाबी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो हमेशा आगे देखते हैं. बट या लकीली इज़ गोइंग वेरी वेल. एंड एक चीज़ को पकड़ते तो हम छोड़ते नहीं हैं. जी, उर्वशी को मैं पहली बार मिली हूँ. मैंने कभी उर्वशी के साथ काम नहीं किया था, मैं उसको पहली बार मिली हूँ. यस, शी इज़ ऑल्सो सीनियर देन मी क्योंकि उन्होंने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की हैं. मेरी पहली बॉलीवुड मूवी है, दो आई हैव डन लॉट्स ऑफ पंजाबी मूवीज़. इट वॉज़ वेरी नाइस, वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल. एंड अगेन शी इज़ अगेन वेरी स्पोर्टी टाइम एंड आई थिंक वेरी डाउन टू अर्थ. क्योंकि हम जब शूट करे थे आई थिंक वी डिडंट रियलाइज ओके लाइक यू नो लाइक आई एम शूटिंग विद समबड़ी जिसको मैं जानती नहीं हूँ, और लाइक शी शूटिंग विद समबड़ी जिसको वो जानती नहीं है. सो वी ऑल गॉट अलॉन्ग वेरी वेल एंड लकीली केमिस्ट्री वॉज वेरी गुड. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट ए चांस टू शेयर स्क्रीन विद उर्वशी. शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग डांसर. आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. करण के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं थे, उसके साथ मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं थे. बट या ही इज़ अगेन वेरी नाइस एंड वेरी डाउन टू अर्थ गाय एंड वेरी टैलेंटेड. ही इज़ वेरी टैलेंटेड अगेन एक्टिंग वाइज बिकॉज ही इज़ डूइंग एक्टिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स. ही इज़ वेरी टैलेंटेड अगेन. सो अच्छा था, वी ऑल शॉट लाइक ए फैमिली. हम वहाँ पे 40-45 डेज का शूट किया हम लोगों ने. वी ऑल वर लाइक ए फैमिली, सो वी ऑल इन्जॉयड वर्किंग विद ईच अदर. कट्टू एक पट पे हम एक पट पे तो किसी में आपका स्वागत है. थैंक यू. यहाँ ना बात करें, कितनी खुशी है इस फिल्म से आपकी शुरुआत है पंजाबी से, बोलो क्या करें. Yes, it's my debut in Bollywood and I'm really happy. I think I'm very blessed that I got a my debut or my Bollywood chance. Mujhe ko Hit Story 4 se mila because jaise sabko maloom hai Hit Story is a hit franchisee and Hit Story 4 again we are getting very good response from people. Thank you so much people for loving the trailer and trailer se bahut hi acha response mil raha hai and I think I'm very happy. I think I was little nervous jab maine movie sign ki thi because it's a hit franchisee and people are gonna expect a lot from me and people are gonna judge me from this movie, but I think I couldn't ask for more. I'm really happy. साथ में करण है, ज्ञान है, काफी किस तरह केमिस्ट्री है. जल्दी बताओ कैसी केमिस्ट्री है तुम्हारी हमारे साथ. केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक दिन काम किया सिर्फ इनके साथ. करण के साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं थे करण के साथ. एंड बट स्टिल वी ऑल गॉट अलॉन्ग वेरी वेल सबके साथ. एवरीवन वाज वेरी गुड, उर्वशी, करण, विवान, एवरीवन वाज वेरी गुड एंड दे वर वेरी सपोर्टिव. एंड बीइंग माय डेब्यू इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की. थैंक यू सो मच गाइस. डेब्यू कैसे बोले, हम पता नहीं कौन से फैक्टर हैं, हमने पता नहीं क्या कर लिया फिर इसमें. नहीं, आप लोग मेरे सीनियर हो, हमारा भी आप लोग मेरे सीनियर हो. गुलशन जी के साथ हमने ऐसा लग रहा है. नहीं, बहुत ही अच्छा था. दे आर अमेजिंग, नाइस, डाउन टू अर्थ गाइस एंड वेरी टैलेंटेड. किस तरह का आपकी किरदार की बात. आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ वन कॉपेट गर्ल, द नेम इज़ रेशमा एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल. शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी एंड she knows very well कि वो क्या कर रही है एंड वो कुछ भी कर रही है उसके पीछे शी हैज़ सम पर्पज़ बिहाइंड इट. एंड इट वॉज़ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड ऑफकोर्स आई हैड टू बी इन दैट कैरेक्टर ऑल द टाइम क्योंकि थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था फ्रॉम माई ओन पर्सनैलिटी. इट वॉज़ अमेजिंग. मैं ज़्यादा अपने किरदार के बारे में बता नहीं सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं कुछ भी बोलूँगी स्टोरी रिवील हो जाएगी. बट येस, आई एम प्लेइंग वन रोल ऑफ कॉपेट गर्ल विच इज़ रेशमा एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड शी हैज़ ए पर्पज़ बिहाइंड इट जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा.
किस बारे में एक्चुअली? आपके किरदार के बारे में। मेरा कैरेक्टर का नाम आर्यन है और मैं बड़े भाई का रोल कर रहा हूँ, वी प्लेइंग ब्रदर्स एज यू नो। और कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये अपने बाप का ब्लू वाइट बॉय है जो सारा घर का काम संभालता है, बिजनेस संभालता है और उसके खुद की एजेंसी है। हाना उनके मेरा लव इंटरेस्ट प्ले कर रही हैं, शी इज़ माई फियांसे इन द फिल्म। और आर्यन जो है वो इन योर फेस नेगेटिव नहीं है, ही इज़ वेरी थॉटफुल, हर चीज़ सोच के बोलता है, हर चीज़ के पीछे एक हिडन एजेंडा रहता है। वो यू नो पता नहीं चलता है कि वो किस चला जा रहा है, बट पता लगता है कि वो कुछ ना कुछ सोच रहा है हमेशा, देयर समथिंग गोइंग ऑन इन द बैक ऑफ हिज माइंड। एंड वो इवन लाइक शी सेड ही इज़ वेरी मैनिपुलेटिव। और सारे कैरेक्टर्स डेंजरस हैं इसमें, तो ऐसे पता नहीं चलेगा कौन किसने किया, हु डन इट। बट मेरे कैरेक्टर का ऐसा है कि ही इज़ ऑलवेज प्लॉटिंग, ही इज़ ऑलवेज देयर समथिंग गोइंग ऑन, देयर समथिंग दैट ही वॉन्ट्स टू डू, ही कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ किसी चीज़ का जिसमें उसका फ़ायदा हो। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, उसे स्पॉइल करता है और उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किस तरह से उर्वशी के कैरेक्टर की वजह से हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और याना और मेरे बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हम टैकल करते हैं, वो दैट इज़ आई गेस द फिल्म। करण, वेल आई थिंक विवान ने जो कहा उसमें ऐड सिर्फ मैं यही करूँगा कि आई थिंक विवान्स कैरेक्टर हैंडल्स एवरीथिंग इन द फिल्म, और मेरा कैरेक्टर अपने आप को हैंडल कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए, बेचारे के लिए। बट आई थिंक ही इज़ ब्रैश, राजवीर इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर। एंड हमने जितना प्रोमो में देखा है, वी हैव सीन इन द प्रोमोज दैट समवेयर इवन आफ्टर आर्यन हैविंग अ फियांसे इज इंटरेस्टेड इन उर्वशीज कैरेक्टर जो ताशा का कैरेक्टर है। एंड आई थिंक इट्स बेसिकली वन मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द अदर। ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आई थिंक व्हेन यू डूइंग अ फिल्म विच इज़ अ थ्रिलर, आप अगर अपने कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा कुछ बताते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पीपल गेट टू नो द इंटायर स्टोरी, बट इट्स फन। आई एम ऑपोजिट उर्वशी एंड अ फ्यू मोर अदर गर्ल्स टेक्निकली इन द फिल्म, बट या इट्स फन, इट्स गोना बी फन। जैसे यहाना ने कहा, वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स एंड It has a great story, so I hope सबको बहुत अच्छी लगे। 9th March। दावतेस के बाद में ये बड़ी फिल्म है। जी। तो कितनी फिल्म तो यार मतलब छोटी। मैं दावते में था, मेरा एक्चुअली कट गया रोल। मेरे साथ वही हुआ जो आपके साथ अभी ऑफ लेट हुआ है। बट आई थिंक फिल्म छोटी है बड़ी नहीं होती है, आई थिंक फिल्म होती है, काम होता है। एंड इट्स ग्रेट दैट इट्स ग्रेट टू वर्क विद टी सीरीज बिकॉज दे आर सच अ बिग प्रोडक्शन हाउस, दे हैव ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट फिल्म्स। अभी भी उनकी एक फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी, आई थिंक इट्स डन, सोनू के टीटू की स्वीटी, आई थिंक सो, आई एम राइट, या विद, या सो इट्स डन वेरी वेल। एंड आई थिंक ये उनकी यू नो मच अवेटेड फिल्म है। द फ्रेंचाइजी इज़ अ हिट फ्रेंचाइजी। विशाल एज अ डायरेक्टर नोज, उनको नब्स पता है आई थिंक ऑडियंस की, that's why he's making films which are doing very very well, and at the end of the day I think the film's gonna do well, and aap jab film dekhne jayenge if aapko hamara kaam pasand aa jaye I think that's what we need, that's all. aap dono kafi kaam kar chuke industry mein, ji dilbar ji ki baat kare, haan ji, kaisa raha? यहाना यार, मैंने जैसे यहाना ने कहा, मैंने यहाना के साथ एक्चुअली ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मेरे सीन्स बहुत कम थे इनके साथ। आई थिंक 2 या 3 सीन्स ही थे जिसमें से ये मुझे दोनों में, एक में डांट रही थी और एक में समझा रही थी, तो ये मेरी टीचर थी इसको फिल्म में। बट आई थिंक इट्स ग्रेट टू वर्क विद यहाना बिकॉज मैं कभी इनसे मिला नहीं था, विवान भाई के साथ मैंने काम किया है, वी वर्क टुगेदर, बट एक लॉन्जिविटी वाला काम नहीं किया है। तो आई थिंक जब आप स्पेशली व्हेन यू आर अब्रॉड, आप बॉम्बे में नहीं होते हैं, तो योर इंटायर टीम बिकम्स योर फैमिली बिकॉज आप डे नाइट उनके साथ ही रहते हैं, तो काम के पहले भी उनके साथ, काम के बाद भी। तो आई थिंक बहुत मज़ा आता है व्हेन यू नो पीपल जिनके साथ आप काम करते हैं। मैं उर्वशी के साथ काम नहीं किया है, बट उर्वशी के साथ आई हैव डन अ लॉट ऑफ इवेंट्स शोज क्योंकि मैं एंकर करता रहता हूँ, तो यू नो आई एम समवेयर और द अदर।
सो इट्स ऑलवेज फन टू वर्क विद पीपल जिन्हें आप जानते हैं। सर एंकर बेस में कितना? सर मैं सब करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं छोड़ूंगा। आप अगर आप अपना पीटीसी कहीं भी लेके जाएंगे ना कैमरा आज की डेट में, आज कैमरा भी भूल गए, हाँ मैं मतलब मेरा बस चले तो मैं आपका भी काम ले लूँ। बट आई थिंक इट्स फन यार, एंकरिंग अपना, एंकरिंग का अपना मज़ा है, एक्टिंग का अपना मज़ा है। एंड एक्टिंग क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक्टिंग ने ही मुझे एंकर बनाया था। अगर मैं एक्टर नहीं बनता और थोड़ा सा फेमस नहीं होता तो शायद कोई मुझे एंकर बनाता ही नहीं। क्रिकेट में भी आपकी रुचि है, क्रिकेट से इसमें आना? जी क्या कहते? देखिए हिंदुस्तान में दो ही चीज़ें चलती है ना, या तो एक्टिंग या क्रिकेट। तो मैंने कहा दोनों में से कुछ पकड़, दोनों ट्राई कर लेते हैं, कहीं तो तुक्का बैठ जाएगा। नहीं क्रिकेट, आई थिंक आई प्लेड क्रिकेट एंड आई प्लेड क्रिकेट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आज यू नो हु मेक अस प्राउड। तो इट्स फन, बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल पहले छोड़ दिया था फॉर द राइट रीजंस आई थिंक, क्योंकि रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आई अचीव सो मच, इतना कुछ मैंने यू नो इतना कुछ मिल गया है एंड आई लव द आर्ट। तो एक्टर लोग कहते हैं, सॉरी क्रिकेटर लोग एक्टिंग करते रहते हैं ना आजकल, तो हमने कहा एक्टर लोग भी क्रिकेट थोड़ा खेल लें तो अच्छा होगा। दिलो जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो पंजाबी है एक गांव खेड़े से या खेतों से शुरुआत करते हैं गाने की और फिर यूटर्न लेके कनाडा यूटर्न लेके आते हैं, आप यूटर्न लेके यहां पहुंचे हैं तो कैसी शुरुआत कैसे रही आपको? तो वीजा लगने में इतनी देर क्यों लगी? शुरुआत किया अभी गांव खेड़े में शूट, गांव खेड़े में नहीं शूट करेंगे बट गांव खेड़े में आ जाएंगे। उससे पहले मैं यूएस में थी ना, दैट्स व्हाई ही इज आई थिंक ट्राइंग टू आस्क कि मैं भी पहले अब्रॉड में ही थी, फिर मैं यूटर्न लेके वापस इंडिया आ गई और फिर मैंने शुरुआत की, दैट्स व्हाट यू आस्किंग है ना। सो दैट्स व्हाई लाइक ही इज आस्किंग दैट बोलना कि वीजा लगने में इतनी देर क्यों लगी, इतनी देर क्यों लगी? यस मैं थोड़ा सा लेट हो गई बट इट्स ओके, आई एम बैक नाउ एंड आई एम गोना रॉक एंड रोल, यू गाइस वेट एंड वॉच। एंड यस यू आर राइट, जितने भी पंजाबी सब कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, वहां से यूटर्न लेके वापस हम पंजाब में ही आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिल तो हिंदुस्तानी है ना, मिठी है ना वो तो है। एग्जैक्टली, नो आई वाज बेस्ड इन यूएस, आई स्टार्टेड माय मॉडलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, सो मैंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत वहां से की है। और उसके बाद मैं फॉर सम रीजंस आई केम बैक टू इंडिया, जब मैंने बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स आई केम बैक टू इंडिया, लेकिन मैं वापस नहीं गई। आई थिंक हमारे जो वही बात है जैसे करण ने बोला, जो मिट्टी है ना यहाँ की, उसने मुझे वापस जाने नहीं दिया एंड आई एम बैक हियर। एंड आई वॉज हैप्पी कि मेरा डेब्यू पंजाबी इंडस्ट्री से हुआ, जो मेरी पहली मूवी पंजाबी मूवी थी एंड आई एम ए प्राउड पंजाबी, सॉरी गाइज आई एम ए प्राउड पंजाबी एंड युगांडा के थोड़ी है या एक्चुअली आई एम ए प्राउड पंजाबी, ये सर स्टार्ट माई करियर फ्रॉम पंजाबी industry and here I am making debut in Bollywood and people are giving me lots of love and thank you so much guys, they are appreciating my work and even in his story abhi movie release hui nahi hai but trailer se I am getting lots of appreciation and I am really happy and I am here, I am not leaving India now and Vivan kyunki yahan na Bollywood aa gayi hai to Vivan aur main free hain, aap Punjabi cinema mein bhi hame kaam de sakte hain, US bhi bula raha hu koi baat nahi, no problem। मस्ती तो हमारी चलती रहती थी वहाँ पे, लाइक जैसे अभी करण ने बोला कि जब आप एक साथ शूट करते हो, स्पेशली जब आप अब्रॉड में होते हो, आप एक साथ शूट करते हो तो यू ऑल बिकम लाइक ए फैमिली, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यू स्पेंडिंग ओनली विद ईच अदर, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, झेलना ही पड़ता है एक दूसरे को। बट वी ऑलवेज हैड फन, एवरी वन वॉज वेरी गुड एंड वी वर ऑलवेज डूइंग मस्ती। Even director Vishal Pandya, he's also very amazing and I was also very happy कि मुझे ऐसे director के साथ काम करने को मिल रहा है, he's very down to earth again, very supportive, सब हंसी मजाक हमारा shoot के ऊपर चलता ही रहता था। अगर कभी कोई serious हो जाता तो Vishal would make faces and say something funny and actually like, all laughing so it, yeah like you know he's like he was like I think he's very very cute, he will make that face के आप automatically you will have a smile on your face, so सबने I think मस्ती करते करते ही movie shoot की, it was fun। इसमें अलग नेगेटिव किरदार है, इसमें इन योर फेस, जैसे मैंने कहा इन योर फेस नेगेटिव नहीं है, इज बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा मैनिपुलेटिव इवल कैरेक्टर है और इट्स मोस्ट सेरिब्रल, नो दिमाग में, दिमाग से ज़्यादा शातिर इंसान है, तो वैसा कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने एक्चुअली वो मुझे करना था क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ जहाँ पर यू नो आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर्स कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा करने को यू नो पहली बार मिल रहा है जहाँ पर थोड़ा दिमाग का खेल ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस में और यू नो विशाल और मैंने वो डिस्कस किया था कि उसे कैसे सटल रखें, एकदम
ऐसे नहीं कि यू नो सबको पता लग जाए कि अरे ये तो शाकाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी सटल और ऐसा नहीं लगना चाहिए. कहीं ना कहीं ऑडियंस की सिंपथी या ऑडियंस का लव भी उसके पास जाना चाहिए. दे शुड लाइक हिम और वहाँ वो इंटरेस्टिंग है टू कीप दैट बैलेंस. चकदे से मुझे हाँ बहुत ऑडियंस का प्यार मिला. अभी भी इनफैक्ट लोग मुझे पहचानते हैं उस फिल्म से. अरे अभिमन्यु, आपने अभिमन्यु का रोल किया था. बोला हाँ, मैं बिकॉज दैट वाज इतनी आइकॉनिक फिल्म है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि यू नो उससे आपको अगर फेम मिले तो नथिंग लाइक इट. मैं तो खुश हूँ कि लोग मुझे पहचानते हैं और अगर अपने काम के लिए पहचाना जाता है तो इट्स नथिंग लाइक इट. इट्स द बेस्ट फीलिंग. सी इट्स इंस्पायर्ड. हमें जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी तो मुझे विशाल जी ने बताया था दैट इट्स देर इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टोरी जो रियल इंसिडेंट्स से उठाया गया है. एंड आई थिंक मैं फिर से वही कहूँगा, मैं अगर आपको वो रियल इंसिडेंट्स भी बता दूंगा तो आपको कहानी पता चल जाएगी. बट आप देखिए, आई थिंक एज अ टोटलिटी में जो मैं आपको बता पाऊँगा वो यही है कि यू नो देर आर फोर प्राइम कैरेक्टर्स इन द फिल्म. दिस उर्वशी, दिस विवान, दिस रेहाना, दिस मी और एंड गुलशन जी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फिल्म में. शॉर्ट एंड स्वीट बट बहुत इम्पैक्टफुल रोल है. वे आर ऑल आई थिंक नोबडी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव फिल्म. एवरी वन हैज़ अ ग्रे शेड. एंड आई थिंक जब एक रिवेंज स्टोरी होती है या एक आउट एंड आउट लव स्टोरी नहीं होती है तो वो ग्रे शेड जो हर कैरेक्टर में होता है फॉर द राइट रीज़न और फॉर द रॉन्ग रीज़न वो बहुत कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है. तो आई थिंक आपको इतने ज़्यादा प्लॉट्स, इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स फिल्म में मिलेंगे. मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो आई थिंक जो क्लाइमैक्स के बाद एक सीन है, मैं वो भी नहीं बता सकता क्या है वो, कौन है उसमें, वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था. तो आई थिंक दैट्स द रीज़न आई पिक्ड अप एंड आई सेड यस फॉर इट बिकॉज आई वाज लाइक अगर मैं एज अ यू नो मी एज एन एक्टर एंड एज अ रीडर जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मुझे ही रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये भी हो सकता था, देन आई एम श्योर द ऑडियंस इज ऑल्सो गोना लाइक इट. हाँ जी, सॉरी यार, प्रेप इतना ज़्यादा हो नहीं पाया. यूजली हम बहुत प्रेप करते हैं लेकिन क्योंकि आई वॉज द लास्ट वन टू कम ऑन बोर्ड और उसके बाद हमारा आई थिंक मैं शूट कर रहा था कुछ और एंड हमारा स्केड्यूल लंदन का था. आई थिंक विद इन 15 और 17 डेज ऑफ मी कमिंग ऑन बोर्ड तो जितना मैं प्रेप कर पाया यू नो बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन लाइक बिकॉज मुझे फ़ायदा क्या हुआ, आई नो विवान वेरी वेल. तो सेट पे यू नो व्हेन यू डिस्कस योर ओन सीन्स चाहे आप को एक्टर्स के साथ करो या आप डायरेक्टर के साथ बैठ के करो, आई थिंक वो सीन अपने आप बेटर हो जाता है बिकॉज व्हेन यू डिस्कस समथिंग विद एन ओपन माइंड अच्छी चीज़ ही निकलती है. तो आई थिंक जो जितना भी प्रेप हुआ है वो सब ऑन सेट हुआ है मेरे लिए एटलीस्ट. तो हर किसी का स्ट्रगल होता है, जी हर कोई का एक सपना होता है, मुंबई एक माया नगरी है, जी कोई ऐसा है कि ड्रीम है कि इसके साथ मुझे काम करना है, कोई ऐसा? यार जब आया था ना तब बहुत सारे ड्रीम्स थे. अभी क्या हो गया ना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई थिंक जब यू नो हर कोई आई थिंक यू नो जब बॉम्बे आता है तो आपका सपना होता है यू नो दैट यू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट प्रोड्यूसर्स. बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना काम कर लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने भी इतना अच्छा काम किया है कि हम लोगों के साथ काम करने के लिए मर रहे हैं लेकिन हमारे साथ भी बहुत लोग काम करने के लिए तरसते हैं. तो आई थिंक आई'ड रादर इन्जॉय बींग मी. और अगर कभी किसी को लगेगा यू नो द बिगेस्ट डायरेक्टर्स और द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स और द बिगेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री इफ दे थिंक दैट आई एम वर्थ इट, आई थिंक काम अपने आप आ जाएगा. नहीं, पंजाबियों ने एक्चुअली इंडस्ट्री को ना टेक ओवर कर लिया है. एक्चुअली ऑल द कपूर्स आर पंजाबी, एवरीवन इज पंजाबी. इवन फ्रॉम पंजाबी इंडस्ट्री लॉट्स ऑफ पीपल दे आर मेकिंग देयर एंट्री इन बॉलीवुड, जैसे दिलजीत आ गया है एंड यू नो लाइक सो मेनी पीपल इवन फ्रॉम देयर ऑल्सो कमिंग, आई थिंक विच इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पंजाबी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग.
एंड इसीलिए उन लोगों को बॉलीवुड के अंदर चांस मिल रहा है, बिकॉज पहले उसको एज ए रीजनल सिनेमा गिना जाता था, बट अभी आई थिंक नॉट एनी मोर. इट्स बूमिंग एंड विच इज़ वेरी गुड. एंड फ्रॉम लास्ट 5 years इट हैज चेंज सो मच. बजट्स भी चेंज हो गए हैं, उतने जितनी की बॉलीवुड मूवी बनती है उतने की पंजाबी मूवी बनती है. बजट्स गॉट यू नो चेंज एंड इवन द कॉन्टेंट्स इवन द स्टोरीज, सो विच इज़ वेरी गुड. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी माई पंजाबीज ग्रोइंग. एंड it's not about Punjabi or anybody, I'm just happy that okay Punjabi cinema is not regional anymore and it's reaching on Bollywood level, which is great. क्या मैसेज देना चाहेंगे पीटीसी के दर्शकों को इस मूवी? पहले तो मैं आपके यू नो जो आपने पहले सवाल किया था उसके बारे में एक छोटा सा कहना चाहता हूँ कि आप जो स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे, इट इज ये जो स्टोरी ली गई है इट्स इंस्पायर्ड बाई ट्रू इवेंट्स एंड इट इज बेसिकली टी सीरीज एफर्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट. You know, to show strong, powerful women who are, you know, capable of handling themselves in a male-dominated society. So that is very important. That message is very important. हमारे दर्शकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि please आप ये picture देखिए. आपने trailer में सिर्फ एक झलक देखी है. It's a tip of the iceberg. Film सिर्फ उसके बारे में नहीं है. It's not about erotica only. इसमें romance है. इसमें thriller element है. इसमें revenge है. इसमें drama है. इसमें you know ब्रोमांस भी है. इसमें बहुत सारी चीज़ें और गाने ब्यूटीफुल हैं, ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं. प्लीज़ देखिए, एक ओवरऑल एंटरटेनमेंट पैकेज है. 9th of March प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए. मराठी सिनेमा में हाँ चार साल अभी तक एक वर्ड नहीं सीखा मैंने. इकड़े सिंगर ऑन नेक्स्ट ऑलरेडी देयर आई वाज एट 12. Yeah, rolling. How are you? Excited.